सोजला पास, यहाँ से लेह लद्दाख गाड़ी जाती है और ये नया बर्फ आर पहाड़ों में कभी भी आओगे ये तो 2-3 महीने के बाद, ये 10-12 दिन के बाद ये लद्दाख रोड बंद हो जाएगा और जो जिस रोड पर हम चलते हैं इसका मार्ग अपने मई में खुलता है, ये नया रोड ये जिस पे हम चल रहे हैं इसी का नाम सोजला पास है। इसमें अगर वो लगाएगा ना लुक तो वो इधर पानी से खत्म हो जाएगा। ट्रैवल किया है बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे एंड थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन लेवल कम, आई कैन फील दैट कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है। ये सारे रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जैन में, वी आर लकी दैट वी आर इन नवंबर हियर। अभी नेक्स्ट हम लोग जाके स्नो में खेलेंगे, यही रूट है लद्दाख जाने का। सोनामार्ग कंप्लीट हो चुका है, फुल स्नो पड़ रही थी तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। सो नेक्स्ट स्टेप हम, तो आज के लिए अगर आज हो सके तो मैं आपको डिनर भी दिखा दूंगी कि कश्मीर का स्पेशल डिनर क्या है, तो ट्राई कैन। तो ठीक है, आई विल सी यू लेटर। तो हम होटल को आ चुके हैं, देखिए इधर इस होटल में आपको शॉपिंग मॉल मिलेगा, देखिए कौन से फिल्म में एक्टर्स आकर हैं ये होटल पे एंड दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है होटल। यहाँ हैदर की मूवी की शूटिंग भी हुई थी, लाइटिंग देखिए कितना खूबसूरत है ये होटल। मैंने जैसे आपको कहा था कि आज मैं आपको डिनर दिखाऊंगी, तो जैसे मैंने आपको वादा किया था तो ज़रूर से डिनर दिखाऊंगी आपको मैं आज। थोड़ा गर्म होने के लिए रखा हुआ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक वार्म वेलकमिंग है, बहुत अच्छी तरह से हर किसी को बात करते हैं, हेल्पिंग नेचर ज़्यादा है। जब हम लोग 0 पॉइंट में गए थे -0 में, तो मैंने उधर एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आपको केदारनाथ भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उधर बर्फ़ पड़ रहा था ज़्यादा इसलिए वो लोग नहीं लेकर गए। और उधर जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े पे जाना है, इसलिए हम लोग नहीं गए। वो भी बहुत खूबसूरत है, आप चाहे तो जा सकते हैं आप एक्स्ट्रा चार्ज करके। तो आज हमारे डिनर में रोटी, दाल मखनी, चिकन, पनीर और बैगन का भरता, इतने सारे डिशेस हैं, कोई वेट नहीं कर रहा है, जल्द से जल्द खा रहे हैं सब लोग, भूखे हो गए। अब डिनर के बाद हम लोग सो के कल सुबह पे गुलमार्ग जाएंगे। सो वी आर लीविंग ग्रैंड होटल। तो ये हमारे स्टाफ हैं, होटल के स्टाफ, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू। यहाँ पे आई थिंक शाहिद कपूर भी आए थे हैदर मूवी के लिए, अच्छा ओके। तो बहुत फेमस होटल है, मतलब बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे। सो एनीवेज थैंक यू। अब यहाँ से हम लोग वी आर मूविंग टू गुलमार्ग।